तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार अभी मैं निकल रहा हूँ काम पे, क्योंकि आज मॉर्निंग शिफ्ट ले रखी है मैंने, तो मुझे 11 बजे पहुँचना है, 10:30 यहीं पे हो गए हैं। और जी और क्या अभी निकले हैं कहीं पे जाने के लिए, वो मुझे पता नहीं, उनको मैं फ़ोन कर लूँगा गाड़ी में बैठ के। तो फटाफट घर से निकलते हैं और आज सारी बात करेंगे अपनी पिज़्ज़ा शॉप में जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो भाई अब पहुंच गए हैं काम पे, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है यहाँ पे। यहाँ पे यार पार्किंग का सबसे बड़ा इशू क्या है कि यहाँ पे 1P 2P खास करके सिटी में बोर्ड लगे रहते हैं कि आप सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए पार्क कर सकते हो इस जगह पे, फिर आपको गाड़ी मूव करनी पड़ती है। बिकॉज़ अगर यहाँ पे कोई रेंजर आ गया, रेंजर मतलब गाड़ी चेक करने आ गया कि आपने गाड़ी कितनी देर के लिए लगाई है, 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा, तो फिर वो आपको फ़ाइन दे देता है। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। तो भाई जो भी अपना आ रहा है अभी नया बंदा, वो खासकर ध्यान रखे कि भाई अगर गाड़ी पार्क कर रहा है तो अपना बोर्ड का ज़रूर ध्यान रखे कि बोर्ड से अगर आपने टाइम एक्सीड कर दिया तो आपका पेनल्टी भी आ सकती है $120-130। तो भाई ये है अपनी पिज़्ज़ा शॉप और ये है अपनी सिडनी सिटी। तो आप फटाफट शॉप को ओपन करते हैं और फिर अंदर से भी आपको शॉप को दिखाते हैं कि कैसी है। भाई बेसिकली ये पिज़्ज़ा शॉप है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिसका नाम है पेपर पिज़्ज़ा। एंड ये सारी की सारी शॉप है अपनी। तो यार शॉप मैंने अभी ओपन कर ली है। तो बेसिकली भाई काम कैसे होता है यहाँ पे कि एक जना जो होता है वो सुबह आके यहाँ पे शॉप को ओपन करता है और अपना जितना भी दिन का प्रेप होती है, जो भी काम होता है, वो सारा कर लेता है। और शाम को फिर 5 बजे 2 लोग और आते हैं, वो शाम के शिफ्ट करते हैं, क्योंकि 11 बजे से लेके रात के 2 बजे तक अपना स्टोर खुलता है, तो इस वजह से शिफ्ट्स में काम होता है। तो जो भी बंदा इफ़ आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो वो ये सोच के आए कि कोई भी शिफ्ट मिल सकती है, सुबह की, रात की, दिन की। यहाँ पे 9 to 5 वाला काम तो बिल्कुल नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ही काम है, उसके बाद काम नहीं है। और सबके अलग अलग पे रेट हैं, जो दिन में काम कर रहा है उसका अलग पे रेट है, जो रात को काम कर रहा है उसका अलग पे रेट है। तो इस वजह से यहाँ पे पैसे भी उसी हिसाब से मिलते हैं कि आप शिफ्ट कौन सी लेते हो। तो जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो रात को लोग काम करते हैं उनकी पे रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका मानना ऐसा है कि कोई अगर अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसका पे रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से नाइट का पे रेट ज़्यादा होता है और दिन में पे रेट आपका नॉर्मल होता है। जो भी आप जो जिस भी फील्ड में काम करें उस हिसाब से आपका पे रेट डिपेंड करता है कि आपका पे रेट क्या हो। तो भाई ये आके मैंने अभी बार फिल किया है, मतलब कि जहाँ पे अपना सारा खाने का सामान रहता है। और इसके बाद यहाँ पे सारी सॉसेज हैं, जो पिज़्ज़ा पे सॉसेज लगती हैं। यहाँ पे रोल होता है, ये अपना अवन है, यहाँ से पिज़्ज़ा इन जाता है और यहाँ से पिज़्ज़ा बाहर आ जाता है। और लास्ट स्टेज होती है अपनी पिज़्ज़ा कटिंग की, यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा कट होता है। ये लार्ज है, ये मीडियम है। और यार काम का ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक काम ही आप करोगे यार, उसके अलावा आप काम ही नहीं करोगे। काम आपको सारा करना पड़ता है कि जैसे बर्तन धोने हैं, झाड़ू करना है, पोछा करना है, सब कुछ आपको करना पड़ता है। अगर आपकी शिफ्ट है तो ये आपकी ड्यूटीज़ हैं कि आपको करनी ही पड़ेंगी, रिगार्डलेस आप मैनेजर हो, आप ओनर हो। अगर आपकी शिफ्ट है, आपने अपनी शिफ्ट लगाई है, तो आपको वो सारे काम करने ही पड़ेंगे। तो सुबह की शिफ्ट में भाई मेरा काम क्या होता है कि मेरे को सारा का सारा ये बार भरना होता है, एंड उसके बाद जो भी शाम का स्टाफ आता है उनको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं कि उनको शाम को जब यहाँ पे बिज़ी टाइम हो जाएगा उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मेरी ड्यूटीज़ हैं। To be true, and when you dance.
तो भाई अपना सारा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह पूरे साफ़ हो चुके हैं, बाहर फिल हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारा काम हो चुका है अपना आज का। दिन में यार बहुत बोरियत हो जाती है क्योंकि कोई साथ में नहीं होता ना, तो बोर बहुत जल्दी हो जाता है बंदा। क्योंकि मैं वैसे सुबह की शिफ्ट करता नहीं हूँ, ये मेरी एक ही शिफ्ट होती है जो मैं सुबह करता हूँ। चलो यार तुम्हें थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। यार वैसे आज थोड़ा क्वाइट ही है। तो यार जो मतलब कि ये कंट्रीज़ हैं इनके अंदर आप कोई भी जॉब करो वो कोई छोटी बड़ी जॉब नहीं होती, सब लोग आपकी उतनी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। टॉप जॉब्स जो यहाँ पे हैं, सबसे पहली तो है डिलीवरी की जॉब, जो लोग आते ही अपना अकाउंट बना लेते हैं, चाहे वो ऊबर ईट्स हुआ चाहे डोरडैश हुआ। दूसरी जॉब अगर मैं बात करूँ तो वो होती है अपनी सुपर मार्केट, जैसे मैंने कोल्स एंड वुलवर्स में भी जॉब की हुई है। तीसरी जो आपकी जॉब्स हैं वो है रेस्टोरेंट की जॉब्स, जैसे कि ये पिज़्ज़ा शॉप है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो ये ऐसी आपको कैफ़े भी मिल जाएंगे, आपको शाम के भी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बार मिल जाएंगे, फिर आपको एक दो सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं कि RSA कर लो तो आप बारटेंडर भी बन सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फिर चौथी जॉब जो बहुत ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में, वो है आपका वेयर हाउस की जॉब, जहाँ पे सामान आता है फिर वो पैक होता है। तो इस तरीके की जॉब्स भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वो होती है कंस्ट्रक्शन की जॉब, मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। बट उसके लिए भी शायद कोई सर्टिफिकेट या कार्ड करना पड़ता है, लेना पड़ता है, मतलब कि आपको कार्ड या आपको कोई सर्टिफिकेट उनको देना पड़ता है कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आपको काम करना है। बट उसकी पे रेट बहुत अच्छी होती है। फिर जो आजकल मोस्ट कॉमन था अभी तक वो था सिक्योरिटी की जॉब्स, अभी वो NSW में बंद कर दिए हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है कि सिक्योरिटी की जॉब NSW में बंद कर दी है। बट और जो अदर स्टेट्स हैं, एडलेड हो गई या फिर कोई और पर्थ हो गई, तो वहाँ पे आप जाके ये सब सिक्योरिटी की जॉब्स ढूंढ सकते हो जिसका पे रेट बहुत अच्छा है। तो ये 5-6 जॉब्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते ही ट्राई कर सकता है कि। और यार आज का जो जॉब मार्केट है वो बहुत टफ चल रहा है, मीन्स कि यहाँ पे रेस्टोरेंट पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं हर दिन रेज्यूमे लेके, बट ऑब्वियसली जॉब नहीं है तो हमें मना करना पड़ता है। तो आपको जो भी जॉब मिले आने के बाद एटलीस्ट आप करना स्टार्ट कर दो। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।